क्या आपको पता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, लेकिन इसे आज भी किताबों से पढ़कर समझना काफी मुश्किल है। चलो इसे हम कुछ आसान तरीके से समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी है जो कई लेयर से मिलकर बनी होती है, लेकिन इसे मेनली हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट की, जो कि ठोस अवस्था में होती है। इसके बाद मेटल की परत आती है जो कि द्रव अवस्था में होती है, और लास्ट में आता है कोर, ये भी ठोस अवस्था में होता है। कोर पृथ्वी के केंद्र में स्थित होता है, जिसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कोर के पास स्थित मेटल की परत, जिसे मैग्मा कह सकते हैं, गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है और क्रस्ट से टकराकर अलग अलग दिशा में बहने लगती है, जिसके कारण क्रस्ट भी टूटकर मैग्मा के बहाव की दिशा में बहने लगता है। इसे ही महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखिए कि ये जो प्लेटें होती हैं, ये तीन तरह की गति करती हैं। पहली है अभिसारित गति, जिसमें प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, और जब ये प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब ये एक दूसरे से टकरा जाती हैं, जिसके कारण पर्वतों का निर्माण होता है। हमारा हिमालय पर्वत इसी तरीके से बना हुआ है। अगला है अपसारित गति, इसमें प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो उस जगह से मैग्मा बाहर निकलता है, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है। अगला है रूपांतरित गति, जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करते हैं। जहां पर ये प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं, वहां पर लगातार भूकंप आते हैं। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है अमेरिका का सैन एंड्रियास फॉल्ट। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। बाय बाय।